बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको ख़बर बेखबर की है। है सब्त तेरी ज़ात से तारीख़ बशर में, वो अज़्म के थकता नहीं ताइफ के सफ़र में। ऐ सारे जहानों के लिए मुजदाए रहमत, अहवाल ज़माने के सभी तेरी नज़र में। हैरान है तेरी शान तवक्कुल पे ज़माना, चूल्हा भी न जलता था महीनों तेरे घर में। और खुर्शीद के कासे में तेरा सदक़ा अनवार, खैरात तेरे हुस्न की कशकोल कमर में। ऐ सैयद सादात इनायत की नज़र हो, ये अहद हवस डूब चला जुल्मत शर में। है सब्त तेरी ज़ात से तारीख़ बशर में, वो अज़्म के थकता नहीं ताइफ के सफ़र में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रोग्राम रोशनी का जो मौजू है वह है हुस्न माशरत, और माशरत का जो हुस्न है वो हमें जिस हस्ती आज़म और मोहसिन आज़म से मिला, मैंने आगाज़ में उन्हीं की तौसीफ़ व सना में लबकुशाई का शरफ़ हासिल किया। मैंने उस सब्त की बात की कि जिससे मैंने उस आज़म की बात की जो ताइफ़ के सफ़र में थका नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, बल्कि अपनी मंजिल की जानिब चलता चला गया, जिसके मुस्बत रवैयों ने दुनिया में इनकलाब ले आया, जिसका मुस्बत रवैया दुनिया में इनकलाब ले आया, और हर शख्स उसकी मोहब्बत और उसके प्यार की वजह से, उसके पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से उसका होता चला गया। और आज दुनिया में अरबों उसके चाहने वाले उम्मती उसके रवैयों को जब इख्तियार करते हैं तो माशरे में कैसा हुस्न आता है, माशरे में कैसा निखार आता है, लोगों के आपस में मोहब्बत और क़ुव्वत का जो जज्बा है वो कैसा बेदार होने लगता है। क्योंकि हमें मालूम चल जाता है कि हर शख्स, हर कल्चर, हर स्टेट और हर ज़ुबान का आदमी जो उसका उम्मती है वो हमारा भाई है, क्योंकि वो हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं, हम ताबाबत सैयद तगैयुर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी मुस्तफ़वी मुस्तफ़ जिस कल्चर, जिस ज़ुबान, जिस रंग का, जिस नस्ल का इंसान हो, जब हमें पता चलता है ये उसका नाम लेवा है, ये उसका उम्मती है, तो हम में हमारे अंदर इत्तेहाद का जो एक जज्बा है वो पैदा होने लगता है, उमड़ने लगता है, और हम आपस में एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत से देखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, खंदा पेशानी से मिलते हैं, मुस्बत रवैये से मिलते हैं। आज इन तमाम तर बातों को करने के लिए मैं हुस्न माशरत के अंडर जो है इसी ज़र टॉपिक के ज़ेरे फ़िक्र ज़ेरे असर मैं गुफ्तगू करने के लिए मदू किया है मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब और जनाब प्रोफेसर आतिफ़ असलम राव साहब को। दोनों हज़रात माशाल्लाह नामी गिरामी स्कॉलर्स हैं, आप दोनों का शुक्रिया तशरीफ़ लाए। मैं मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब से बात करूँगा। हुज़ूर, ज़ाहिर है माशरती ज़िंदगी का एक अहम तरीन पहलू और बुनियादी जो कदर है वो इत्तेहाद है, जिससे मतलब इसका माशरे का हुस्न है, और इस्लाम भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और प्रैक्टिकली समझाता है। रिसालत में आपने समझाया सबको मुत्तहिद करके, क्या फरमाते हैं इत्तेहाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद वाली वसाबी वबारक वसल्लम। देखें, इत्तेहाद में अजमत है, डिग्निटी, इत्तेहाद में बरकत है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग भी इत्तेहाद में है, डिग्निटी भी इत्तेहाद में है, अजमत भी है, बरकत भी है, और कुरान और सुन्नत की भी यही तालीम है, और मुआशरे की बुनियादी इकाई कह लें आप जो है वो इत्तेहाद है। कोई भी मुआशरा जो है बग़ैर इत्तेहाद के साले मुआशरा नहीं कहला सकता, और कोई भी मुआशरा बग़ैर इत्तेहाद के तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरे की, मुज्तमा की, सोसाइटी की तरक्की के लिए भी इत्तेहाद ज़रूरी है, और सोसाइटी के साले होने के लिए, मुआशरे के साले होने के लिए भी इत्तेहाद ज़रूरी है। कुरान से भी यही पता चलता है, हदीस से भी यही पता चलता है, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से भी यही पता चलता है, और हमारे अकाबिर का, जिल्ला का, आइम्मा का, चाहे उनका ताल्लुक फ़िका के साथ हो, चाहे हदीस के साथ हो, चाहे तफसीर के साथ हो, चाहे तसव्वुफ़ के साथ हो, सब के अकवाल, अफ़ाल, अहवाल, तर्ज अमल से और तर्ज गुफ्तार से यही पता चलता है, ये उसका निचोड़ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखें, वा तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और तफरके में ना पड़ो, इंतशार में ना पड़ो। तफरका क्या है? इत्तेहाद की ज़िद, यानी इत्तेहाद की ज़िद से मना किया जा रहा है। और हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो फरामीन जो आपके इरशादात हैं वो तो एक से एक जो है वो कई मौके पे अलग अलग आपने फरमाए। एक तो बहुत ही मशहूर मारूफ अक्सर जो है वो हमारे बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, हमारा बच्चा बच्चा, मुसलमान मुआशरा ना हमारा, तो हमारे बच्चे बच्चे ने ये सुन रखा होता है, ला फ़दला ली अरबीन अला अजमीन वला ली अजमीन अला अरबीन, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत हासिल।
حاصل نہیں ہے. یعنی یہ جو فرمایا گیا نا, یہ فرما کے گویا بتا دیا گیا کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے, یہ طبقاتی تقسیم اسلام اس کا قائل نہیں انسانوں کے مابین, کہ انسانوں میں یہ تقسیم آپ نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں خطے کا ہے, یہ فلاں رنگ کا ہے, یہ فلاں نسل کا ہے, یہ فلاں زبان کا ہے, تو اس بنا پر یہ اس کو آپ پرائرٹی دے دیں, اس کو آپ ترجیح دے دیں, اور دوسرے کو اس بنا پر آپ جو ہے وہ چھوٹا شمار کر لیں, اس کو اسلام سختی سے کنڈیم کرتا ہے. حضور جان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے مبارک پاؤں کے نیچے رون دیا, اس عصبیت جاہلیہ کو, اور بتا دیا کہ اس پر کوئی معیار نہیں ہے فضیلت کا. یہ جو رنگ ہے, نسل ہے, زبان ہے, قبیلہ ہے, خطہ ہے, ملک ہے, یہ ساری جتنی بھی نسبتیں ہیں, یہ ساری کی ساری یہ نسبتیں یہ پہچان کے لیے, تعارف کے لیے. قرآن میں وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں اور قبیلوں میں رکھا تاکہ تمہاری پہچان ہو. فقط پہچان کے لیے, یہ فضیلت کا معیار نہیں. فضیلت کا معیار جو ہے وہ اسلام نے علم اور تقویٰ دو چیزوں کو رکھا ہے. اسلام میں جو تقسیم ہے وہ ہے علم اور تقویٰ کی, کہ جو علم میں آگے ہے, جو تقویٰ میں آگے ہے, وہ مرتبے میں آگے ہے, باقی اس کے مقابلے میں مرتبے میں پیچھے ہے. لیکن ویسے اسلام جو ہے وہ تلقین کرتا ہے اتحاد کی. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان باہمی تباد تراہم تعاطف, محبت میں, شفقت میں, رحمت میں, ان چیزوں میں ایک جسم کی مثال ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک جس جسم کا کیا ہوتا ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے, بخار ہوتا ہے اور بیداری میں گزرتا ہے, سارے جسم بیدار رہتا ہے, نیند نہیں آتی. تو ایسی مسلمان کی مثال یہ دی گئی کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک ہوں اور نیک ہوں, اتحاد ہو, اتفاق ہو, ان سارے تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنی شخصی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی, ادارتی سطح پر بھی, تنظیمی سطح پر بھی, ہر سطح پر اپنے انفرادی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعی مفاد کے لیے اتحاد اور اشتراک ہونا چاہیے. اشتراک عمل وہ ضروری ہے, اس کے بغیر کامیابی اور ترقی نہیں ملتی. تعاونوا فی البر والتقوی, اسلام نے یہ فلسفہ دیا ہے, نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یعنی اتحاد کا مطلب اپنے وجود کی نفی نہیں ہے, بلکہ ٹالرنس ہے دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا اور کامن ایشوز کے لیے مل کر کام کرنا. صرف اشتراک عمل کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ اپنے وجود کی نفی کی بات ہو رہی. بالکل, یونٹی ٹو گیٹ یور ڈیسٹینیشن, اور ہمیں ہماری منزل پتہ ہے, ہماری منزل مقصود پتہ ہے, اس کے لیے اتحاد ضروری ہے. ریاست مدینہ قائم فرمائی, عیسیٰ کے مدینہ میں تو دوسرے لوگوں سے اتحاد کیا گیا کہ جن کا تعلق تو تھا ہی نہیں, دوسرے مذہب کے ساتھ تھا. یعنی اشتراک عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں میرے خیال وقفہ لینا ہے یہاں پر, اور پروگرام روشنی میں حسن معاشرت چلیں, وقت ہے ہمارے پاس, تو میں پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب سے بات کر لیتا ہوں کہ عام طور سے چھوٹی چھوٹی سی منفعت, چھوٹے چھوٹے سے فائدے کی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ چھوٹا سا ہمارا فائدہ ہے تو ہم اتحاد جیسی اہم ترین معاشرتی قدر, ہمیں پتہ ہے معاشرتی جو اقدار ہیں ان میں جو بیسک اور فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے وہ اتحاد ہے, یعنی متحد ہونا. اجتماعیت میں ہی مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے ہمیشہ, اور انفرادیت میں گو کہ ہوتا ہے فائدہ, اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اجتماعی سطح اور اتحاد سے ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی منفعت کی خاطر, تھوڑے سے فائدے کی خاطر دنیا بھی ہم اسی عام ترین معاشرتی قدر کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اتحاد کو چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک طرفہ ایک ون سائیڈڈ ایک اسٹیٹمنٹ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, سب کو ایک طرف کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, کیا یہ اتنی مطلب غیر ضروری بات ہے کہ اس کو چھوٹے سے فائدے کے لیے چھوڑ دیا جائے اتحاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, واہ, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. واہ اکبر, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اللہ, اتحاد کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے, اور اتحاد کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اسلام نے اتحاد اور اجتماعیت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے, اور اس سے مخالفت اور اختلاف کو ناپسند کیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں وہ آیات ملتی ہیں جن کے اندر ایک رہنے, ایک ہو کر رہنے کا ذکر ملتا ہے, اور حضور علیہ السلام کی جو مبارک سیرت ہے اس سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہا جائے, مل جل کے رہا جائے, اسی میں کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چاہے ہم اعلان نبوت کے بعد دیکھیں یا اعلان نبوت سے پہلے دیکھیں,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। बिल्कुल बेशक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्तेहाद की बात की है, इख्तिलाफ को नापसंद किया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में ऐसे बेशुमार वाकयात मिलते हैं, उस वक्त जब हजरत असवद को नसब करना था और लोग परेशान थे कि खून खराबा हो जाएगा, हर एक की ख्वाहिश थी कि ये काम मैं करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई बसीरत के साथ उस मामले को ऐसे हल किया कि एक चादर के ऊपर हजरत असवद को रख दिया जाए और तमाम सरदार उसको उठा लें। हाँ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उसको नसब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिल्फुल फजूल के मुआहदे के अंदर जो शामिल हुए, तो आप इसे जिंदगी के मुख्तलिफ मवाकों के ऊपर नकल किया करते थे कि मैं एक ऐसे मुआहदे में शामिल हुआ जिसके अंदर इत्तेफाक, अमन और इत्तेहाद की बात थी, लोगों के हुकूक पूरा करने की बात थी। तो इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हमें ये पैगाम दिया गया है कि इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है और इख्तिलाफ से हत्तल इम्कान बचना चाहिए। अफसोस का मकाम यह है कि मामूली से नफ़े की खातिर लोग इत्तेहाद जैसी अजीम दौलत से मुंह फेर लेते हैं जी। और फिर इसका दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान होगा। देखिए, ऐसे लोग दुनिया के अंदर नुकसान तो यह है कि उन पर लोग फिर एतमाद नहीं करते। सही है कि एक छोटे से फायदे के लिए इसने इतने बड़े कॉज को छोड़ दिया। इसी तरीके से ऐसे लोगों से फिर मशवरा भी नहीं किया जाता, ऐसे लोगों को इज्जत भी नहीं दी जाती। तो इसलिए इख्तिलाफ के जो मसाइल हैं और इख्तिलाफ की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उन पर गौर करना चाहिए कि मामूली सी नफ़े के खातिर आप इख्तिलाफ में पड़ जाएं, इससे बहुत बेहतर यह है कि उस नफ़े को तर्क कर दें। अल्लाह तबारक व ताला ने जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलना है। सर, मैं एक सॉरी आपका कलाम बाला होता है, इख्तिलाफी नौयत की बातें क्यों इतने ज़ेरे ज़िक्र लाई जाएँ? इमाम हसन की मिसाल कैसी थी उम्मत को जोड़ने के मामले में? हमें बात यह कि इख्तिलाफी नौयत के मसाइल ही क्यों, इत्तेहादी नौयत की बातें क्यों ना की जाए कि मुसलमान मुत्तहिद हों, एक एक पेज पर आ जाए, एक टेबल पे आ जाए मुसलमान। होना तो यही चाहिए, क्योंकि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। आप इंफिरादी तौर पर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगर आपको दुनिया और आखरत में तरक्की चाहिए तो इत्तेहाद उसके लिए बेहद जरूरी है और अपने आपस के इख्तिलाफात को भुला देना चाहिए कि हम एक बड़े कॉज के लिए काम करें, लोगों को आगे लेकर चलें, जो कमजोर है उसे आगे बढ़ाएं, जिसको जरूरत है उसको कंधा दें और जो बेचारा पस्त है उसे बुलंदी की तरफ लेकर जाएं। तो इससे वो बुलंद होगा लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला हमें भी बुलंद करे। क्या बात है। और कॉज से मैं एक बात समझ में आती है, देखें मैं वो देखूं जब मेरा जाती फायदा है जिसके लिए मैं इतना बड़ा कॉज छोड़ रहा हूं, तो मैं ये सोचूं कि मेरे इस फायदे से मेरा कॉज कितना है और वो जो इतना बड़ा नुकसान होगा वो इतना बड़ा कॉज जिसे मैं छोड़ के एक छोटे से कॉज की खातिर इतना बड़ा बार अपने सर ले रहा हूँ कि कई लोगों को मैं इत्तेहाद की जानिब ला सकता हूँ मगर जान के नहीं लाता। मुझे सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है और मुसलमानों को मुत्तहिद करने की, मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। यही हमारा माशरती हुसन है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुशाम दे एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। माशरती हुसन पे हम बात कर रहे हैं, यानी इत्तेहाद, मुसलमानों का मुत्तहिद होना हर कोई कहता है, हम सब कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसोस के साथ के इंतशार और तफरका इस पर बहुत ज़्यादा मुसलमान जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। इनकी तबीयत भी आमादा है, फ़िक्र भी आमादा है। माशरती जो रवैये हैं अब उन पर मैं बात करना चाहता हूँ कि रवैये कैसे मुस्बत होंगे। अच्छा, कहीं कहीं मुस्बत रवैये नज़र भी आते हैं, वो 100 में 1 आदमी होता है जो अपने मुस्बत रवैये पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से वो पहचाना जाता है, यानी हर जगह उसका जिक्र होता है और जिक्र खैर होता है, कभी उसका जिक्र शर नहीं होता, जिक्र खैर होता है। वो इंसान बहुत अच्छा है, क्यों? उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, तो यानी पॉजिटिव बिहेवियर। इस पर कुछ बात करनी है मैं मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, क़िबला बड़ा दखल अमल दखल है रवैये का माशरे में, और मुस्बत रवैये जब जहाँ होते हैं वहाँ सोसाइटी माशाल्लाह देख साजगार होती है, खुशगवार होती है, माहौल भी अच्छा होता है, लोग आपस में ही बड़ा हुस्न ज़न रखते हैं, और जहाँ रवैये अच्छे ना हों वहाँ गुमान भी अच्छा नहीं होता, ज़न भी अच्छा नहीं होता, क्या फरमाएं? लेकिन शाह साहब, इसका जो है वो जो रवैये हैं ना हमारे मुआशरती रवैये, इनका जो दायरा कार है, जो कैनवस है, वो बहुत बड़ा है। यानी इसका ताल्लुक जो है वो हमारे अकवाल के साथ भी है, हमारी गुफ्तगू के साथ, हमारी बोलचाल के साथ, और इसका ताल्लुक हमारे एक्शंस के साथ भी है, हमारे अफ़ाल के साथ भी है, और इसका ताल्लुक जो है वो हमारी चाल ढाल के साथ भी है, वज़ाकता के साथ भी है, रहन सहन के साथ भी है, अगले के साथ जो हमारी बात करने का अंदाज़ है उसके साथ। यानी एक बहुत वसी व ज़ैल
और तवील व ज़ैल ये मौजू है, लेकिन मैं इसमें से जो है वो चंद मोटी मोटी चीज़ें जो है जो हमारे माशरे में इस वक्त हो रही हैं, दिन रात शब व रोज़ आप और हम देखते रहते हैं, जो मिसबिहेवियर की जो है वो बदतरीन मिसालें मैं कहूँगा कि बहुत सारी हमारे यहाँ पाई जाती हैं, उन्हें थोड़ा पॉइंट आउट इसलिए करूँ ताकि हम सारे जो है सोचें और उसे सही करने की कोशिश करें। सही मुझ में जो बात है, कम अज़ कम हर बंदा जो है मुझ समेत मैं अपने आप को भी सुना रहा हूँ, हमारे जो अकाबिर का तरीका रहा है, अकाबिर यही फरमाते थे अजिल्ला सूफिया बिलखसूस इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहिमुल्लाह, सैयद अली खवास रहिमुल्लाह, शेख इब्न अरबी रहिमुल्लाह, उन्होंने फरमाया कि जब भी किसी को तलकीन करो, वाज करो, तो पहले अपने नफ्स को वाज करो, ये ख्याल करो कि अपने आप को भी कह रहा हूँ और दूसरों को भी बताओ, क्या अच्छी बात, दूसरे को नहीं, क्या अच्छी जो हमारे अकाबिर की तालीम है उसी पे अमल करती हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हम अपने आप को शामिल करके बात कर रहे हैं, यानी कोई ये ना समझे कि हम जो है वो दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दूसरे को बुरा कह रहे हैं और अपने आप को हम सुपीरियर समझ रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं और अपने आप को हम पारसा बता रहे हैं, हम अपने आप को शामिल करके बात कर रहे हैं, ये जो नसीहत है ये हम अपने नफ्स को भी कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी कर रहे हैं। ये भी मुआशरती रवैये की एक मिसाल है, मुस्बत रवैये की एक मिसाल ये भी है जो मैंने अर्ज की, जो बहुत अच्छी बात, हम देखें कहीं भी जाते हैं, अब पार्किंग की जगह नहीं है, वो पार्किंग जो है वो नो पार्किंग, लेकिन आप देखें वहीं पे जो है वो लोग जो है पार्किंग करना शुरू कर देते हैं और उस पार्किंग की वजह से जो दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, खुद भी तकलीफ उठाते हैं, दूसरे भी तकलीफ उठाते हैं, आप देखें जगह तंग हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है, ना जो है वहाँ से गुजर सकते हैं, ना आप कोई और काम कर सकते हैं वहाँ पे, और दूसरा जिसने किसी और ने वहाँ से अगर दूसरी जगह उसके करीबी जिसकी असल जो पार्किंग थी वहाँ से किसी ने गाड़ी निकालनी है, बाइक निकालनी है, उसके लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी, वो ये सब हो गया। फिर उसके बाद जो है आप जो है रोड पर हैं, तो रोड पर जा रहे हैं आप जो है वो ड्राइव गलत कर रहे हैं, ट्रैफिक के कानून की पाबंदी नहीं कर रहे, रॉन्ग ट्रैक पर आ रहे हैं और आप अगले को आपने जो है वो कट किया अगले को और गलत कट किया, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं उसकी तरफ देखते हैं और बास तो बाकायदा जो है वो गालम तुम्हारी है, और बास जो है तो ऐसे होते हैं कि ऐसी शनात उनके अंदर होती है, कबाहत होती है कि बाकायदा लानत का इशारा भी देते हैं हाथ से, गलती भी हालांकि अपनी होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी, उसके बाद दूसरे को धौंस भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं और ऊपर से जो है वो इशारे भी कर रहे हैं इस तरह लानत के। अब ये जो इस तरह लानत के इशारे हैं या जबान से बद तहजीबी का मुजाहरा करना, फोश गोई करना या गाली देना, ये तो वैसे भी ठीक नहीं था, अगर आप हक पर हों या दुरुस्त हों तो भी आपको इसकी इजाज़त नहीं है कि आप अगले को गाली दें, आप सब दुश्नाम से अपनी जबान को आलूदा करें, इसकी इजाज़त आपको वैसे भी नहीं थी, और चे जाए कि आप गलती पर हों, आपने की गलती और गलती करके फिर आप ऊपर से अगले को धौंस दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, यानी ये तो डबल जुर्म हो गया, उसकी शनात में और कबाहत में और इजाफा हो जाता है। उस आपके पास गाड़ी है, किसी की देखें ये तज़ीक भी है, बिल्कुल आप एक तो गलत आप हैं बिल्कुल, और दूसरा आप ये देखें आप आए, आपने जो है वह रात का टाइम है, आपकी गाड़ी है, आप उधर के बेल दे दें, ये घर वालों से फोन पे रابطہ कर लें, फोन पे आप बुला लें, आप बाहर ही खड़े होकर वहीं से इतने तेज से हॉर्न इतने जोर, ओ हजरत वो बड़े वाले लगाए हैं आजकल पांप पांप, अजीब वो गरीब ख्याल नहीं कर रहे हैं कि भाई मोहल्ला है, बाकी लोग भी हैं, वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई मरीज है, कोई बीमार है ना, ये देखें मरीज का ख्याल करना, बीमार का ख्याल करना या सोने वाले की नींद का ख्याल करना, इसके तो वो अहकाम है कि फुकहाए किराम ने हमारी शरीयत ने तिलावत करने से मना किया, ऐसी बुलंद आवाज से कि किसी नमाजी की नमाज में खलल आए या किसी बीमार को तकलीफ पहुंचे उससे या किसी सोने वाले की नींद में आराम में खलल आए, तो तिलावत बुलंद आवाज से आप नहीं कर सकते, आप अल्लाह का जिक्र इतनी बुलंद आवाज से नहीं कर सकते कि किसी को खलल पहुंचे, हालांकि वो सरासर खैर सरापा खैर सरापा नेकी का काम है, जिसकी तलकीन है कसरत से करने की तलकीन है, उसके अंदर आपको ये अलाव नहीं है, तो चे जाए कि ऐसा काम कि जिसका ताल्लुक सवाब के साथ भी नहीं बात है, इबादत में लिहाज रखने हुक्म है, और आप तो जो है वो एक मुबाह काम के अंदर लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये हमारे वो रवैये हैं कि इन रवैयों से हमारा मुआशरा तो आपके सामने है, मुआशरे ने क्या तरक्की करनी है, जो हमारे बिहेवियर हैं, जो हमारे एटीट्यूड हैं, जिस तरह अगले को दूसरा गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, गुजर रहे हैं जनाब आप बिला वजह, कोई मकसद नहीं है, बिला वजह गुजरते हो गाड़ी को टच कर देंगे, गाड़ी को उधर से हाथ मारेंगे, कभी उधर से हाथ मारेंगे, ये क्या तरीका है, आप क्यों जो है वो अगले की किसी चीज को इस तरह नुकसान पहुंचाने को अलाव भी नहीं था, वैसे भी मैनर्स के खिलाफ है, एटिकेट के खिलाफ है, लेकिन आप उसके बाद उसके अगले को डांट, फिर जो है वो जा रहे हैं जबरदस्ती जो अगले की जो है गाड़ी को आपने जो है वो डंड डाल दिया, फिर उसके बाद आगे से पहले उस पर चढ़ाई करेंगे, काम नहीं बनेगा तो फिर कहेंगे यार मैं गलती हो गई, आप जो कैसे कर जानबूझ के थोड़ी कोई मारता, अब हालांकि गलती की भी तो उसके बाद फिर या तो आप जो है उसका तावन तलाफी करें, वो सही बात तलाफी करें, तलाफी माफात जो है वो भी जरूरी थी, वो भी नहीं कर रहे,
और फिर उसके बाद जो है वो अगले को धौंस भी देते हैं। तो ये सारे हमारे मुआशरे में, ये तो हमने चंद मिसालें दी हैं, मिसालें तो इतनी सारी हैं बदकिस्मती के साथ, अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुआशरे में इसका दखल होता है, जाहिर है इसी से जो है मुस्बत रवैयों की मिसालें जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, रवैये कहीं कहीं होते तो हमारा मुआशरा जो तरक्की नहीं कर रहा, इसके असबाब में से एक बुनियादी सबब हमारे इन रवैयों का भी है। अभी तो मतलब मैंने इसको सिर्फ जो है वो शख्सी सतह पर बात की है, वरना अगर इदारती सतह पर जाएं या बड़ी सतह पर जाएं, इज्तिमाई सतह पर जाएं, तो इन्हीं रवैयों, गलत रवैयों की वजह से ही आपको नजर आएगा कि हमारा जो है वो मुआशरा जो तरक्की नहीं कर रहा, वाज़े होकर सामने आ जाएगी। और इंतहाई माजरत के साथ कि हम जो हमारे मुस्बत रवैये चले खाल खाली सही हैं, जरूर मौजूद जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं वो हम ना कहीं कोड करते हैं, ना नशर करते हैं, ना नशर करना चाहते हैं, ना वो खबर होती है, ना वो बात होती है, ना उस बात का कोई मैटर के कहीं डिस्कस किया जाए। पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव फेसेस हम ना दिखाते हैं ना बताते हैं, और ये हमारी एक बहुत बड़ी खामी है। देखें देखें मैं अराउंड द वर्ल्ड तरक्की याफ्ता टेरिटरीज को देखता हूँ तो वो अपने पॉजिटिव बिहेवियर्स ही दिखाती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही बात करती हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं माशरे को। हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करना, नई से नई नेगेटिविटी खबर बनेगी जनाब, काबिल जिक्र बात कैसे होगी जब तक कोई मनफी बात ना हो, मनफी फलाह ने फलाह को मारा और इतना बुरा मारा, फलाह ने फलाह को ज़िबा कर दिया, फलाह ये भी यही बातें होंगी। कोई अखलाक से रिलेटेड बात, कोई सीरत से रिलेटेड बात, कोई पॉजिटिव बात बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देंगे। हालांकि वो अपनी मौत खुद मर जानी थी, वो खबर जो है जी उसको भैया खुद ही खत्म हो जाता। सर मैं तो यही, लेकिन आपने उसको इतना प्रमोट कर दिया, इतना प्रमोट कर दिया कि अब वो जो है बच्चे हाँ अब क्या करें, वो मुश्किल इतनी हमें आ घेरी है कि अब पॉजिटिव बात की तरफ जो है जा ही नहीं सकते। कोई पॉजिटिव बात करना नहीं चाहता और हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, कोई नेगेटिव करे भी तो हमें उसको फौरन मौजू को बदलना चाहिए। मुस्बत बात, मुस्बत रवैया, ये गैर ज़रूरी बातें हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी रियासत से भी ये गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दे और हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आएँ। प्रोफेसर साहब तशरीफ़ फरमाए, आतिफ़ असलम राव साहब हुज़ूर, माशरती रवैयों की बात और मनफी और गैर अखलाकी जो रवैये हैं, कुछ हज़रत ने कोट किए, कुछ चाहूँगा आप भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं, उनसे नुकसान जो होते हैं, उसके ज़ाहिर जो हमें लॉसेज हो रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे, उसके हवाले से मैं चाहता हूँ कुछ रोशनी, कुछ आगाही। तो वो मुआशरा जिसे अहद जाहिलियत कहा जाता था, जिसके अंदर रिफॉर्म करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ का एक मकूला मशहूर है, हेट्रेड गिव्स अ रीज़न टू लिव, कि नफरत ये जिंदगी या जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। और वहाँ पर यह तरबियत दी जाती थी कि जो है अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, उन नामों को याद कर लो, उन लोगों से बदला लेने के लिए तुम जियो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस माशरे को तब्दील किया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के जरिए करके बताया कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ भला करो, अच्छा करो, हाँ, जो तुम्हें काटे तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। जैसा कि आपने कहा कि गैर अखलाकी जो रवैये हैं, सर जो मकूला आपने, माजरत मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँ, जो मकूला आपने बयान फरमाया ना वो हमारे यहाँ भी अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मनफी बातों के लिए। बिल्कुल आप हमें नेगेटिव चीजों से नफरत करनी है, पॉजिटिव से नहीं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो मनफी रवैये हैं इनका दीनी एतबार से भी नुकसान है और माशरती और समाजी एतबार से भी नुकसान है। दीनी एतबार से नुकसान ये है कि मनफी रवैयों की वजह से वो तमाम आयात कुरानी जिनके अंदर मकारम अखलाक की हमें तकमील के लिए कहा गया है, अखलाकी हुसन बयान किया गया है, हम उससे दूर हटते चले जाते हैं और मनफी रवैयों की वजह से हम उन चीज़ों में पड़ जाते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक नापसंदीदा हैं। सूरह हुजरात में फरमाया गया, तजस्सुस ना करो, टो में ना लगे रहो, गीबत ना करो, अपने आप को बड़ा ना समझो, तमस्खुर ना करो। ये तमाम मनफी रवैये हैं जो माशरे के अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई ओवरनाइट अमीर हो जाए तो वो गरीब को हिकारत की नज़र से देखने लगता है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की तकसीम पर एतराज़ करना है। इसी तरीके से दूसरे शख्स के बारे में गलत जज्बात रखना कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसे इज्जत क्यों दी, अल्लाह ताला ने इसे शोहरत क्यों दी, आखिर कौन सी वजूहात हैं कि ये लोगों के नज़दीक पसंदीदा है, तो अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज़ करने वाला वो शख्स बन जाता है जो मनफी रवैये रखता है, और यही बदअखलाकी है। इन मनफी रवैयों की वजह से इंसान को मुआशरे के अंदर पसंद नहीं किया जाता। ये मनफी रवैये इंसान की ज़ात पर, उसकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं और इनका बहुत बड़ा और गहरा असर उसकी सेहत पर होता है। सही बात, हमने अपने मेंटली वो बीमारियां नहीं सुनी थी कि जो आज के दौर में हम बीमारियां सुनते हैं, कि शुगर का मरीज हो जाना,
ہائپر ٹینشن کا مریض ہو جانا، مختلف امراض کا شکار ہو جانا، ان کا سب سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے، زنا اس پر خوش نہیں ہے، اپنے آپ پہ توجہ نہیں دے رہا جی، اور پوری دنیا پر توجہ دے دے کے اپنے ذہن پہ جو بوجھ ہے جی وہ اسے اتنے سارے امراض میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا نقصان ذاتی طور پر انسان کی صحت کو اس سے ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم یہ رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ اس طرح کے مزید پروگرامز کرنے چاہیے جس کے اندر لوگوں کو پوزیٹو ایٹیٹیوڈ کا بتایا جائے۔ سر بہت بالکل، میں ہائیلی اپریشیٹڈ کہ انہوں نے اتنا اچھا ایک موضوع آج کیو ٹی وی کانٹینٹ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود آپ اور میں سب اس وقت ٹیلی ویژن ونڈو کے ذریعے سوسائٹی کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں، اور اس معاشرے کی جو ہے وہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارے رویوں میں، حضرت فرما رہے تھے ٹالرنس کی بات کر رہے تھے، پیشنس کی بات کر رہے تھے، یہ الفاظ شاید ہماری ڈکشنری سے بھی نکل گئے، ہماری زندگی سے بھی نکل گئے، کہیں بھی نہیں، ذرا سی بات پہ۔ وہ ایک شعر ہے، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی بڑی نیکیاں چھوڑ کے چھوٹی سی بدی پر دھیان لگا کے بڑھ جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے لا تعلق ہی ہو جاتی ہے۔ یہ رویے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے، سیرت سے اخذ کر کے نکات اغیار نے، ویسٹ کے فلاسفرز نے کہا فار گیو دا پیپل ود آؤٹ دیئر اپالوجی، انکلوڈ دا پیپل ہو ایکسکلوڈز یو۔ مطلب اس طرح کی باتیں جو نبی پاک نے سکھائی، دوسروں نے اپنا ہی ترقی پا گئے، ہم پستی کے پست مطلب پستی کا ہی شکار رہے اور پستی والے معاشرے میں زندہ رہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہم سدھریں گے تو دوسرے سدھریں گے، یعنی ہم سے متعلقہ لوگ بھی ایک دو یا تین چار نہیں ہوتے، سینکڑوں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وقفے کے بعد ملاقات ہوگی۔ شام دید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معاشرتی رویوں سے متعلق سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اچھا پھر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں دو باتیں، کہ ضرور لازم ہے ہم پر اور ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنا ہے، ان کی سیرت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور بخدا آپ جس ترقی یافتہ ترین معاشرے میں رہتے اور بستے ہیں، آپ وہ سیرت اپنا لیں، ہر جگہ آپ قابل تعریف ہوں گے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کی تعریف اور آپ کا ذکر نہیں ہوگا اچھے الفاظ میں، اگر آپ سیرت طیبہ سے نکات لیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، لازم و ملزوم کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں، آئی مین ٹو سے کہ وہ جو زندگی کے معمولات میں سے ہیں، جن کا ترک کر دینا بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ انہیں اسی طریقے سے اپنا لیں جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی رونما ہوگی، اور آپ کو اپنے اندر ایک روشنی محسوس ہوگی اور خوشگواری محسوس ہوگی، اور آپ کے اطراف میں بھی وہ خوشبو، جہاں سے آپ جائیں گے آپ خوشبو ہی بکھیرتے ہوئے جائیں گے۔ سیرت طیبہ سے ہمیں جو رویوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اخلاقی حوالے سے بات کر رہے ہیں، معاشرتی رویوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے تو خیر کیا کہنے، نور 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 نور، خیر 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 خیر، واہ۔ آپ سرکاری صدام کی سیرت کو دیکھیں، مجھے ابھی اس وقت فوراً جو پہلی بات جو آ رہی ہے معاشرتی رویے کے حوالے سے ذہن میں، وہ یہ کہ ایک مرتبہ سرکاری ساتھ صاحب نے دو صحابیوں کو رضی اللہ عنہما بھیجا ایک جگہ، تو آپ نے ان کو بھیجا تھا وہاں پر عامل بنا کر، تو یہ فرمایا تھا کہ یسرا ولا تعسرا، کہ آسانیاں کرنا تنگی نہ کرنا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گا یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفر، کیا بات، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلا۔ بھائی اچھی بات، کیا پیاری بات فرمائی ہے، میں کہتا ہوں یہ جوامع الکلم میں سے ایک ہے۔ اور پھر ریلیٹڈ ٹو دس فرمایا نا، دلوں کو جوڑو، بالکل، یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ کوزے میں جو ہے دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھیں کتنی، اگر صرف ایک اسی بات کو ہی لے لیا جائے، ان دو پہلوؤں کو اگر لے لیا جائے، تو ہمارے معاشرے کے اندر کیسا نکھار آ جائے، سوسائٹی ہماری کیسے جو ہے وہ ترقی بھی کرے، اور کیسے آپس میں امن محبت آشتی صلح صفائی محبت، یہ ساری جو مثبت قدریں ہیں وہ کیسے فروغ پا جائیں گی صرف اس ایک پر عمل کر لینے کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو سرکاری ساتھ و سام کا طریقہ، تو سیرت طیبہ تو ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب کبھی سرکاری ساتھ و سام کسی کو تنبیہ فرماتے تھے، تو جو آپ کا انداز تھا، اکثر آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ بجائے نومینیٹ کر کے سب کے سامنے اسے سمجھانے کے، آپ ایسا انداز اختیار فرماتے تھے کہ جنرل بات ہو جائے،
उसकी भी इसलाह हो जाए और उसका भरम भी रह जाए, उसका पर्दा भी रह जाए। मसलन आप आके फरमाते थे, जैसे पता चला कि फ़लाँ ने ऐसे कहा तो आप जो है वो फरमाते थे कि आवाज़ लगाओ अस्सलातु जामिया, उस वक्त बुलाने के लिए आवाज़ लगाई जाती थी अस्सलातु जामिया, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, उधर माँ बालू अकवामिन माँ बालू नासिन, उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों को क्या हुआ, फिर वो बात दोहराते जो पहुंची होती थी, फिर उसके बाद उसका रद्द फरमा देते थे और समझाते थे कि आपका हिकमत भरा अंदाज था कि अगले की इज्जत भी रह गई, आपने जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे भी कायम रखा बंदे की, और हिकमत के साथ उसकी इसलाह भी हो गई। ये मुआशरा फिर जो हुज़ूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी मिसाल हमें आपकी सीरत में नज़र आती है, जब आप मदीना मुनव्वरा आए हैं तो जिस तरह आपने मुआखात मदीना कायम की है, जो आपने भाईचारा कायम किया है, आप कोई दूसरी मिसाल दिखाएं तारीख में। पहली मिसाल सरकार अलैहिस्सलाम ने की और इसी मिसाल को मशल राह और मीनार नूर अगलों ने बनाया है। उख़ुवत आपने जो कायम की है ना, ये मेरे पास एक किताब है, मैं दिखाना चाह रहा था, उसकी वजह है कि ये मिसाल तो दी जाती है कि सरकार ने ऐसा किया, सवाल यह है कि हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम के इस तर्ज अमल पर किसी ने अमल भी किया कि नहीं जी। तो अमल भी किया गया, हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ही की उम्मत के एक जिल कदर फकी, जिल कदर मुहद्दिस, जिल कदर सूफी, यानी इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन दोनों के जामे इमाम अबुल मवाहिब अब्दुल वहाब शारानी रहिमहुल्लाह। मैं चाहता हूं अगर आप टेलीविजन पे दिखा दें, 1974 से दिखाइए आमिर भाई, ये किताब है तहीरु अहले ज़वाया मिन खबाइथ तवाया जी। ये जो किताब है ये असल में बुनियादी तौर पर है अहले खानकाह के लिए, हजरत ने खानकाह बनाई थी ज़ावियतु शारानिया, ठीक है, वो खानकाह भी थी दरसगाह भी थी, बयक वक्त वहाँ पर दरसे कुरान भी होता था, दरसे फिका भी होता था, दरसे तसव्वुफ भी होता था, अल्लाह का जिक्र भी होता था, तिलावत भी होती थी, इबादत भी थी, यानी दरसगाह और खानकाह दोनों मंजर उसी जगह थे, तज़किया तज़किया तालीम और तरबियत और तज़किया सारी चीज़ें हो रही, और बाकायदा जो है वो मुअर्रिखीन ये कहते हैं जो खानकाह को जिन्होंने देखा वो ये कहते थे कि भाई आपकी खानकाह से हर वक्त ऐसे आवाज आती थी जैसे शहद की मक्खी की भिनभिनाहट की आवाज होती है, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ वहाँ इबादत होती रहती थी, इबादत होती रहती थी सुबह शाम, धीमे धीमे लहजे में भी अल्लाह का जिक्र, यानी कभी खामोशी बिल्कुल ऐसे नहीं होती थी कि हर वक्त इबादत रहती थी। तो आपने क्या किया, आपने वहाँ उस खानकाह में ज़वाया ज़ाविया की जमा खानकाह को कहते हैं, आपने खानकाह के लिए एक निसाब मुकर्रर किया और वहाँ पर जो खानकाह नशीन थे जो लोग थे उनके माबैन आपने मुआखात कायम फरमाई सरकारी सलाम की इस सुन्नत पर अमल करती हुई इक्तदा करती हुई। और आप कहते हैं मुझे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह, हुज़ूर गौसे आज़म और शेख अहमद रफाई रहिमहुल्लाह, इन दो बुजुर्गों ने ख्वाब में आकर ये फरमाया कि तुम इनके माबैन मुआखात कायम करो, भाईचारा कायम करो, जैसे सरकारी सलाम ने किया था। तो मैंने सरकारी सलाम की उस अदा पर अमल करते हुए इनके माबैन भाईचारा कायम किया। फिर इस किताब के आखिर में आपने पूरी वो लिस्ट दी है सबके नाम बनाम कि फलां को मैंने फलां का भाई बनाया, फलां को फलां का बनाया, फलां को फलां का बनाया। तो यानी ये मिसाल भी है और ये किताब मैं समझता हूँ कि हर साहिब खानकाह को इस किताब का मुताला करना चाहिए और खानकाह वालों को इसमें से जो हमारे दौर से रेलिवेंट चीज़, जारी बात है ज़माने का फ़र्क है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंतज़ामी नोयत की कि जो इररेलीवेंट हो गई, बाकी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको लेकर खानकाह में नाफिस किया जा सकता है। साहिब खानकाह के लिए बेहतरीन किताब है तहीरु अहले ज़वाया मिन खबाइस तवाया, तो बेहतरीन मिसाल है ये। तो सीरत तैयबा से बात चली थी, सीरत तैयबा की रोशनी में सरकार सलाम के गुलाम जो है 973 सन हिजरी में 10वीं सदी में आकर भी वो सरकार की उस अदा पे अमल कर रहे हैं और माशरे में वो करके प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि आज भी ऐसे किया जा सकता है और अच्छे अंदाज में किया जा सकता है। वाह बहुत खूब। मैं प्रोफेसर आदम असलम राव साहब, आज का जो मौजू है हमने माशरती हुसन से मुतालिक बात की थी और वो मैं समझता हूँ द ब्यूटी ऑफ सोसाइटी वो जो है वो हमारा मुत्तहिद होना है, वो इत्तेहाद है, यूनिटी, और उसी को ज़ाहिर फोकस करते हुए अगर मैं कंक्लूड करूँ और कोई मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए आपसे लेना चाहूँ वो पैगाम क्या होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने सीरत के हवाले से एक प्रोजेक्ट किया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है बिहेवियरल रिवाइवल ऑफ अरब्स। क्या बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुआशरे के रवैयों को कैसे तब्दील किया? तब्दील तो अगर हुजूर सल्लम की सीरत को देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मनफी रवैयों से दूर रहने के लिए या उसका आपकी ज़ात पर असर ना हो उसके लिए कुछ उसूल बयान किए हैं, जिनमें पहला उसूल ये है कि आप मनफी चीज़ों को इग्नोर करें। बसा औकात इंसान क्या करता है कि दूसरा उसके बारे में क्या बात कर रहा है वो जानने की कोशिश करता है, तो इस वजह से उसकी तवानाइयां इसमें खर्च होती हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत से ये पैगाम मिलता है कि अपनी तवानाइयों को मुस्बत कामों में खर्च करें। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वाइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो आपकी सीरत से दूसरा तरीका पता चलता है वो ये कि आप अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर लें। बस औकात सुनने में ये समझ में लोगों को नहीं आता कि ये नेगेटिव लेते हैं कि लिमिटेड कैसे कर लें।
हम तो معاشرے کے اندر رہنے کے لیے آئے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس معاشرے میں آپ کو کن لوگوں سے ملنا ہے اور کن لوگوں کو ایوائڈ کرنا ہے. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی بھی منفی رویے کا منفی رویے سے جواب نہ دیں. صحیح. آپ اگر مثبت رویہ اس وقت اختیار نہیں کر سکتے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں, وہاں سے چلے جائیں اور اپنی توانائیوں کو بہتر کاموں میں خرچ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اس دور کے اندر بہت عام ہو گئی کہ ہم اپنی ہر اچھائی کو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال نمود و نمائش سے ہم باہر نکلیں اور ہم کوشش یہ کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی حفاظت کریں. کلو ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت سے حسد کی جاتی ہے. جب اپنی ہر کامیابی کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے تو ہمارے حاسدین پیدا ہوں گے, منفی رویے پیدا ہوں گے. جو لوگ محنت کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے وہ یہی کرتے ہیں کہ جو پھر محنت کر کے آگے بڑھ رہا ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری سطح پر آ جائے. تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے کہ ہمیں مزید محنت کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ترقی مل سکے. اور آخری بات میں پیغام کے حوالے سے یہ کروں گا کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ان اذکار کو اختیار کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے ہمیں ملتے ہیں, اور جو اوراد و وظائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حفاظت کے لیے بیان کیے ہیں کہ بندہ کیسے اپنی حفاظت کر سکتا ہے, ان وظائف کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایول آئے سے بھی بچ سکیں. ایگزامپل بھی میں چاہوں گا, جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کا حکم دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دم بھی کیا کرتے تھے, اور اس طریقے سے حضرت انس کی دعا جو ان سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بیان فرمائی. تو ان دعاؤں کا اور وظائف کا بھی اہتمام کریں, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے اور منفی رویوں کے اندر اپنی توانائیوں کو خرچ کرنے کے بجائے مثبت کاموں میں اپنی توانائیوں کو خرچ کریں. بالکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. اور ماشاءاللہ آج کئی برس کے بعد ان کے ساتھ نشست ہوئی, اور آج بھی وہی ٹھنڈا میٹھا آپ کا مزاج اور انداز تکلم, اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے. اور وہی مفتی حسن نوید نیازی صاحب, ایک مطلب بہت با اثر ترین ماشاءاللہ ان کا کلام ہوتا ہے, کیونکہ میں اکثر نوجوانوں کو آپ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. اور ظاہر ہے یہ علم ہی ہے جو انسان کو معاشرے میں نمایاں کرتا ہے. ہمیں تو علماء کی قدر کرنی چاہیے, اور ہمیں ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی قدر کریں. عرض کرنا بس اتنا مقصود ہے آج کہ آج حضرت نے جو بات فرمائی نا وہ بڑا مجھے اچھی سنائی دی, کہ جب کوئی انسان اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ سے اور اپنی سمجھے اپنے کام سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے حاسدین بہت زیادہ پیدا ہونے لگتے ہیں. وہ اس کی ترقی کو دیکھ کر خود کوشش نہیں کرتے کہ ہم بھی کوئی ایسی کیسے ادا اپنائیں کہ جس سے ہمیں بھی ترقی اللہ رب العزت ادا فرمائے, بلکہ وہ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں اور اس کے حسد میں لگ جاتے ہیں اور آگے پیچھے جہاں بھی ان سے. اچھا پھر مزے کی بات یہ, اس میں ہوتی ان کی اپنی ذلت ہے, اس میں ہوتی ان کی اپنی رسوائی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے. وہ کامیابی جب شور مچاتی ہے نا حضرت, تو اطراف میں ہی بڑا شور ہوتا ہے, اور اس وہ جو اطراف کا شور ہے نا, اس شور سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ, اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا, کر دو عدو کو تباہ, حاسدوں کو رو برا, اہل ولا کا بھلا, تم پہ کروڑوں درود. ہمیں اپنے رویے کے اندر مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, ہمیں لانی ہے, ہمیں لانی چاہیے. اور بحمد اللہ وہ لوگ جو نفع رساں ہوتے ہیں, نفع بخش ہوتے ہیں, وہ زمانے میں ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں. انہیں ان کے چلے جانے کے بعد بھی, وہ کہتے ہیں نا, بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں. تو اپنی زندگی جیو تو ایسے جیو کہ زندگی رشک کرے, مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. تو اپنی زندگی کو اس انداز سے بسر کیجئے, اپنے اطراف میں اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے. بعض اوقات وجہ کچھ اور ہوتی ہے, غصے کا سبب کوئی اور ہوتا ہے اور اترتا کسی اور پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان رویوں سے حفاظت عطا فرمائے. اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیے. بس ان کی اداؤں کو آپ نے اپنا لیا تو سمجھ لیں ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے, باوقار ہوں گے, باعزت ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اس نے ہمیں زندگی میں جیتے جی عزتیں عطا فرمائی, اللہ ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان میں برکت بھی عطا فرمائے, بروز حشر بھی اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.